आज का दंगल इस बात को लेकर है कि शराब घोटाला मामले को लेकर दिल्ली की सियासत हाई है। एक तरफ जमानत पर सशर्त रिहाई है, लेकिन उसके बावजूद जोश जुनून जज्बा आम आदमी पार्टी के समर्थकों का बढ़ा हुआ है। जी हां, बात हम कर रहे हैं संजय सिंह की। संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर निकले 6 महीने के बाद, लंबे इंतजार के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका दीदार किया, जबरदस्त तरीके से नारे लगाए और संजय सिंह की ओर से भी ये कहा गया जेल के ताले टूटेंगे अरविंद केजरीवाल और साथ ही मनीष सिसोदिया छूटेंगे। इस तरह के नारेबाजी करते हुए जोरदार भाषण संजय सिंह की ओर से देने की कोशिश की गई, लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। हमेशा की तरह सुनीता केजरीवाल एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन इस बार जिस जगह से वो ये संदेश पढ़ती हैं वहां का माहौल थोड़ा बदला था। एक तरफ भगत सिंह, दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर और बीच में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी हुई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से हमला बोला है, ये कहते हुए कि जो जेल में है जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं उस शख्स की फोटो बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के बीच आकर आम आदमी पार्टी ने कैसे और क्यों लगाई है। इन सबके बीच सुनीता केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि गुजरात में आपको बताते चले कि वहां पर जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी ओर से आमंत्रित किया जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल वहां पर जाकर उनके लिए प्रचार प्रसार करें। हेमंत सोरेन की पत्नी को भी ऑफर दिया जा रहा है कि वो भी चुनावी सभा में शामिल हो और बीजेपी के खिलाफ अल्लाह बोले, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह की मौजूदगी इस वक्त संजय सिंह की देखने को मिल रही है, क्या कार्यकर्ताओं का जोश आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कुछ कमाल कर जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात कहकर भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर लगा रही है वो आरोप काम कर जाएगा। लगातार बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, ये तमाम दूसरे नेता, उनकी ओर से भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस की नीति बताते हुए ये कहा जा रहा है कि तीसरी बार इससे बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार बीजेपी बर्दाश्त नहीं करती है। फिलहाल दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच चुनावी तारीख भी नजदीक आती हुई चली जा रही है। किसको मिलेगा फायदा, किसको होगा घाटा, किसको बड़ा नुकसान, इसी मसले को लेकर करेंगे दंगल में चर्चा। लेकिन उसके पहले आज दिन भर पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है उसको बताती हुई रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली की सियासत में संजय सिंह की जमानत का जश्न जो कल रात से शुरू हुआ है वो अब सियासी हथकंडों में तब्दील होता जा रहा है। चाहे वो कार की छत पर चढ़कर गुलाब के फूलों से स्वागत हो या संजय सिंह की सीएम केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात, राजघाट पर सपरिवार भजन कीर्तन हो या बजरंगबली के मंदिर के दर्शन, संजय सिंह जमानत पर छूटे तो आम आदमी पार्टी का हौसला हाई है। कल रात में संजय सिंह पूरे जोश में थे। आज राजघाट से लेकर हनुमान मंदिर तक दर्शन पूजन किया और थोड़े संयत लेकिन बीजेपी से लड़ाई को लेकर दृढ़ दिखे। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ सीना तान के मजबूती से खड़ा है। आम आदमी पार्टी के हौसलों के बीच एक सियासत इस पर भी शुरू हो गई है कि आखिरकार सीएम केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर संदेश देने वाली उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर दीवार पर क्यों लटका दी और वो भी दो शहीदों के बीच। उनकी फोटो बाबा साहब के साथ लगाना और शहीद आजम भगत सिंह के साथ लगाना, आप समझ लीजिए कि इनका राजनीतिक चरित्र कितना गिरा हुआ है। कोई सीमा होती है ना, उस सीमा को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ऐसे भ्रष्ट और करप्ट लोगों के साथ हमारी फोटो टांग दी, ये देश के लिए लड़ने वाले लोग थे और ये परिवार के लिए धन इकट्ठा करते हुए शराब घोटाला करते हुए जेल गए लोग हैं। सुनीता जी, आपको ये पाप नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। दरअसल संजय सिंह की जमानत के बाद मचे सियासी शोर के बीच एक बार फिर सीएम केजरीवाल ने जेल से संदेश भेजा था, वो संदेश सुनीता केजरीवाल ने सुनाया।
आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है, मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जिस तरह सुनीता केजरीवाल ने कमान संभाली है, उसे देखते हुए सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही सुनीता केजरीवाल गुजरात से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर सकती है। भरूच से आपके उम्मीदवार और आदिवासी नेता चैत्र बासवा ने सुनीता केजरीवाल और जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को प्रचार के लिए बुलाया है। कल्पना सोरेन रामलीला मैदान में भी सुनीता केजरीवाल के साथ दिखी थी। खबर है कि 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच चैत्र बसवा आदिवासी बहुल भरूच सीट से नामांकन भर सकते हैं और इसी दिन सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन नामांकन रैली में शामिल हो सकती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ बीजेपी से टक्कर लेने के लिए तैयार है, दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी ने आपके खिलाफ चार्जशीट की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ 3 स्तरों पर आरोप पत्र तैयार हो चुका है। इसमें शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला जैसे भ्रष्टाचार पर केजरीवाल सरकार से सवाल होगा। प्रदूषण की समस्या, यमुना की सफाई, पीने के पानी जैसे मुद्दों पर आपके दावों की पड़ताल होगी और खस्ता हाल सड़कें, शिक्षा, रोजगार, कारोबारियों की समस्या, केंद्र की योजनाओं में रोक टोक सहित अन्य विषयों पर दिल्ली वालों की दिक्कतों का जिक्र होगा। दिल्ली की जनता पानी चाहती है, साफ पानी, जो 9 साल में नहीं दे पाई आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बन गई है, इससे मुक्ति चाहती है, किस लिए इनको दोबारा वोट देगा? इसलिए क्या भ्रष्टाचार करके आप लोग लगातार जेल में हो? आपके खिलाफ बीजेपी का आरोप पत्र अगले हफ्ते तक आने की उम्मीद है। दिल्ली के बीजेपी विधायक इन मुद्दों को लेकर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाएंगे। दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ विपक्ष के मुद्दों पर टक्कर देगी। दिल्ली से रामकिंकर सिंह और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।